wood shavings and better than what's left of the crown. तो एक अनजान घर और उसमें रह रही एक अजीब सी फैमिली, क्या होगा जब उसी घर के कुछ भयानक राज पुलिस के सामने खुल जाएंगे? क्या पुलिस उस घर के लोगों की असली सच्चाई जान पाएगी? यही हम आज की इस कहानी में देखेंगे। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक रात से, जिस रात एक औरत तीन आदमियों की मदद से एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन उस बेबी के पैदा होने के बाद में जो तीन आदमी उस औरत के डिलीवरी में मदद कर रहे थे, वे ही उस बेबी को जिंदा ही दफना देते हैं। अब अगले दिन एक फील्ड में कुछ बच्चे खेल रहे थे, तभी उनका बॉल पास के पिकॉक फैमिली के जमीन में गिर जाता है। लेकिन कोई भी बच्चा उस बॉल को लेने जाने की हिम्मत नहीं करता है और वे लोग दूसरे बॉल के साथ में खेलने लगते हैं। अचानक उनको खेलते खेलते जमीन के अंदर एक बेबी का हाथ दिखाई देता है। कुछ टाइम के बाद में पुलिस वहां पर आती है और FBI के दो ऑफिसर फॉक्स और डेना एक केस को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। इसी दौरान पास के घर से पिकॉक फैमिली के लोग उनको देख रहे थे और फॉक्स उनके बारे में पुलिस ऑफिसर एंडी से पूछती है, क्योंकि बेबी की डेड बॉडी उनके घर के पास से मिली थी। एंडी की बातों से हमें पता चलता है कि उस घर में पिकॉक फैमिली के तीन भाई रहते हैं। पहला जॉर्ज है जो कि 30 ईयर का है, दूसरा शर्मन जो कि 26 ईयर का है और तीसरा एडमंड जो कि 42 ईयर्स का है। और उनके पेरेंट बहुत साल पहले एक कार एक्सीडेंट की वजह से मारे जा चुके हैं। वे तीनों नॉर्मल लोगों से बहुत ही अलग दिखते थे और इसीलिए वे तीनों बाहर के बाकी लोगों से बातें नहीं करते हैं। वे अपना और उनके फार्म के जानवरों का खाना अपने खेत में उगाया करते थे। उनका घर वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बना था और आज तक उनके घर में पानी और हीटर की कोई भी सुविधा नहीं थी। उस टाउन में कोई मॉर्ग भी नहीं था, तो एंडी ने उस बेबी की डेड बॉडी को अपने फ्रिज में रखा था। फॉक्स और डेना को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एंडी उस बेबी की डेड बॉडी को उन्हें दे देता है। उस बेबी की डेड बॉडी को देखकर फॉक्स और डेना को ये पता लगता है कि उस बेबी का फेस भी पिकॉक फैमिली के उन तीनों भाइयों की तरह ही अजीब था। बेबी की नाक और मुंह के अंदर से मिट्टी मिली थी, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि उस बेबी को जिंदा ही दफना दिया गया था। अब डेना को उस बेबी की माँ के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि किसी भी माँ के लिए अपने बेबी को इस हालत में देखना बहुत मुश्किल था। और डेना के मुताबिक उस बेबी का फेस जेनेटिकली डिफेक्टिव है। उनके खानदान में पहले भी ऐसे डिफेक्टिव फेस वाले बच्चे पैदा हुआ होंगे, या फिर सेम ब्लड में इंटीमेट होने के कारण पैदा हुए बच्चे का फेस डिफेक्टिव हो सकता है। अब सोचने की बात ये थी कि पिकॉक फैमिली में उनकी कोई भी बहन नहीं थी और ना ही उनकी माँ जिंदा थी, तो फिर वो तीनों भाई किसके साथ में इंटीमेट हुए होंगे जिसके साथ उनका ब्लड रिलेशन होगा। तब फॉक्स और डेना को लगता है कि उन लोगों ने किसी लड़की को किडनैप किया होगा, जिसको घर में बंद करके उससे बच्चा पैदा करवाया जा रहा है। फिर उसी शाम फॉक्स और डेना पिकॉक फैमिली के घर में उनसे मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन उस टाइम तीनों भाई घर पर नहीं थे। फॉक्स और डेना ये देखते हैं कि उनके घर का गार्डन बहुत ही ज़्यादा गंदा है। गार्डन में ही एक बिना नंबर प्लेट वाली कार खड़ी हुई थी और घर के डोर से ही टॉर्च मारकर वो दोनों घर के अंदर की हालत देख लेते हैं। फिर वे दोनों घर के अंदर जाते हैं और अंदर टेबल पर खून से लथपथ एक कैंची पड़ी हुई थी। उस कैंची को फॉक्स सबूत के लिए एक प्लास्टिक बैग में रख लेता है। फ्लोर पर मिले शूज के निशान डेड बॉडी के पास से मिले निशान से मैच हो रही थी। वहीं पर उनको एक शॉवल भी मिलती है जिस पर खून लगा हुआ था और वे लोग पूरा घर देखते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं दिखता है, जिसके बाद में वे दोनों वहां से चले जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर किसी की आंखें नजर आती है जो कि उन्हीं की तरफ देख रही थी। वहां से बाहर निकलने के बाद में फॉक्स और डेना ये डिसाइड करते हैं कि तीनों भाइयों के खिलाफ वे दोनों अरेस्ट वारंट निकालेंगे और इन सालों में कौन कौन सी लड़की इस इलाके से मिसिंग हुई है ये भी वे लोग पता लगाने वाले थे। साथ ही उस कार की रियल आइडेंटिटी के बारे में वे लोग पता करने वाले थे। रात को फिर एंडी डेना को कॉल करके कहता है कि वो अरेस्ट वारंट और गर्ल्स की मिसिंग रिपोर्ट के बारे में तो पता लगा लेगा, लेकिन कार के बारे में पता लगाना मुश्किल था क्योंकि वहां पर बहुत सारी कार्स चोरी हो चुकी थी। रात को फिर एंडी ये चेक करता है कि उसकी गन लोड है या नहीं। एंडी के मन में बार बार गलत ख्याल आ रहे थे, इसीलिए वो सो भी नहीं पा रहा था। एंडी घर के बाहर बैठा हुआ था और उसकी वाइफ जून वहाँ पर आकर एंडी को घर के अंदर लेकर जाती है, लेकिन इसी दौरान वो दोनों ही घर का मेन डोर लॉक करना भूल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तीनों भाई भी कार में बैठकर कहीं पर जा रहे थे और इधर घर के बाहर से एंडी को किसी की आवाज़ें सुनाई देती है। वो उठकर देखता है तो बाहर पिकॉक फैमिली की वाइट कार खड़ी थी।
एंडी अपनी वाइफ को बेड के नीचे छुपने का बोलकर खुद गन लेने जाता है कि तभी उसे कोई दिखाई देता है जो कि उनके घर के मेन डोर से अंदर आ रहा था और एंडी अपनी सेफ्टी के लिए एक बेड अपने पास में रख लेता है। जब वो आदमी बेडरूम के अंदर आ रहा था तो एंडी उसी बेड से उस आदमी पर अटैक कर देता है, लेकिन उस आदमी को कुछ नहीं होता है और दो आदमी आकर अपने अपने हथियार से एंडी को बुरी तरह से मार डालते हैं। वे लोग सूंघ कर ही ये बता रहे थे कि उसी रूम में कोई और भी था। फिर वे लोग जून को ढूंढ कर उसको भी बुरी तरह मार डालते हैं और ये तीनों और कोई नहीं बल्कि पीकॉक ब्रदर थे। अब अगली सुबह पुलिस ऑफिसर पेस्टर को एंडी और जून की डेड बॉडी बहुत बुरी हालत में मिलती है और फॉक्स और डेना को भी पेस्टर से उनके मर्डर के बारे में खबर मिलती है। अब डेना और फॉक्स उस बेबी की डेड बॉडी की डीएनए रिपोर्ट देखने लगते हैं और उस बेबी के डेड बॉडी से एक ही ब्लड रिलेशन का डीएनए मैच हो रहा था, लेकिन लोगों के मुताबिक पीकॉक फैमिली की कोई भी औरत अब जिंदा नहीं थी। इसे देखकर फॉक्स सिटी से पुलिस बैकअप लाने की सोचता है, लेकिन डेना इतनी देर इंतजार नहीं करना चाहती थी क्योंकि वहाँ अगर कोई औरत कैद है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। डेना की बात पर एग्री कर पेस्टर उसी टाइम पीकॉक के घर उन तीनों भाइयों को अरेस्ट करने के लिए राजी था, लेकिन डेना को एक बात अजीब लगती है कि एंडी ने उन तीन भाइयों से केस को लेकर कोई बात नहीं की थी और उनको अरेस्ट करने की बात फॉक्स और डेना ने ही उनके घर के अंदर की थी। तब वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन कोई ना कोई वहाँ पर जरूर मौजूद था जो कि उनकी अरेस्ट वाली बात को सुन रहा था। इधर हम देखते हैं कि तीनों भाई अपने घर में ट्रैप सेट करवा रहे हैं और कुछ ही देर में फॉक्स, डेना और पेस्टर पीकॉक के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। सेफ्टी के लिए सभी ने ब्लड प्रूफ जैकेट पहन रखे थे और फॉक्स और डेना कुछ दूर बाहर ही छुप जाते हैं। पेस्टर अकेले ही घर के डोर को खोलता है और बाइनोकुलर से डेना को एक तार नजर आ जाती है। वो पेस्टर को सावधान कर पाती उससे पहले ही डोर पर लगे ट्रैप से पेस्टर का सर कट जाता है और मारा जाता है, जिसके बाद में तीनों भाई पेस्टर के पास आकर उसके टुकड़े करने लगते हैं। घर के डोर्स पर ट्रैप लगे हुए थे और फॉक्स और डेना पीछे के डोर से जाने का प्लान बनाते हैं। तीनों भाइयों का ध्यान भटकाने के लिए फॉक्स और डेना उनके पिक्स को फार्म से बाहर निकल देते हैं और तीनों भाई ये देखकर पिक्स को पकड़ने के लिए जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर फॉक्स और डेना पीछे के डोर से घर के अंदर जाते हैं और वहां पर भी ट्रैप लगी हुई थी, लेकिन दोनों किसी तरह अपनी जान को बचा लेते हैं। अंदर उनको फैमिली फोटो दिखाई देती है जिसमें बहुत से लोगों के फेस डिफेक्टिव थे जो कि जनरेशन टू जनरेशन बच्चों में फैल रहा था, और अचानक उनको बेड के नीचे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वे लोग देखते हैं तो बेड के नीचे एक औरत थी जिसका भी फेस डिफेक्टिव था। वो दोनों उस औरत को बेड के नीचे से बाहर निकालते हैं और फोटो से उनको पता लगता है कि वो औरत उन तीनों भाइयों की माँ थी। डेना को लग रहा था कि एडमंड मिस पीकॉक का बेटा नहीं था और मिस पीकॉक के साथ इंटीमेट होने की वजह से वो बाकी दो भाइयों का फादर भी था, इसलिए एडमंड की तरह बाकी भाइयों का फेस डिफेक्टिव था। मिस पीकॉक ये नहीं चाहती थी कि उनके बेटों को पुलिस अरेस्ट करे और वे लोग अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते थे। बाहर सभी भाइयों को सुनकर पता लग जाता है कि उनके घर में कोई घुस चुका है। तब डेना गोली मारकर जॉर्ज को मार डालती है। डेना को मारने के चक्कर में शर्मन खुद ही अपने ट्रैप में फंस कर मारा जाता है, लेकिन जब फॉक्स और डेना रूम में वापस आते हैं तो वहाँ पर मिस पीकॉक अब मौजूद नहीं थी और एडमंड अपनी माँ मिस पीकॉक के साथ में भाग चुका था। डेना और फॉक्स ने पुलिस को पहले इन्फॉर्म कर दिया था तो उनको लग रहा था कि पुलिस रास्ते में एडमंड और मिस पीकॉक को पकड़ लेगी। फिर कुछ समय के बाद में हम देखते हैं कि एडमंड और मिस पीकॉक कार में इंटीमेट हो रहे हैं ताकि वे लोग अपनी एक न्यू फैमिली को स्टार्ट करके अपना घर बना पाए, और इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में हमने देखा कि पीकॉक फैमिली के तीन बेटे थे। मिस्टर पीकॉक के मरने के बाद में एडमंड ही उनका अकेला बेटा था और उनकी फैमिली बहुत छोटी थी। अपनी फैमिली को कंप्लीट करने के लिए मिस पीकॉक अपने बेटे के साथ में इंटीमेट हुई थी, जिसके बाद में जॉर्ज और शर्मन पैदा हुए थे। एडमंड का फेस डिफेक्टिव था तो इसलिए उन दोनों का फेस भी डिफेक्टिव हो गया था। जॉर्ज और शर्मन अगर मिस्टर पीकॉक के बेटे होते तो उनका फेस नॉर्मल हो सकता था, क्योंकि मिस्टर पीकॉक का फेस नॉर्मल था। एडमंड का फेस जेनेटिकली नहीं बल्कि किसी बीमारी की वजह से डिफेक्टिव था, और पुलिस से बचकर मिस पीकॉक और एडमंड भाग चुके थे और अब वे फिर से ब्लड रिलेशनशिप में इंटीमेट होकर अपना बच्चा पैदा करके अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने वाले थे। दोस्तों, इस फिल्म में ये नहीं बताया गया है कि उन्होंने पैदा हुई बच्चियों को क्यों मारा, लेकिन हम इस तरह एक कहानी ये भी निकाल सकते हैं कि लड़की पैदा होने की वजह से मिस पीकॉक को लगा हुआ कि उनके बेटों का अट्रैक्शन उसके लिए कम हो जाएगा और लड़के के बड़े होने के बाद में वो लड़की मिस पीकॉक की जगह ले लेगी, तो इसीलिए
जलेसी की वजह से मिस पीकॉक ने अपनी बेटी को मार डाला था। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वियर्ड सी फिल्म, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना।